फरुखाबाद जनपद में जिस तरह झोला छाप नर्सिंग होम चला रहे हैं, ठीक उसी तरह अधूरे संसाधनों के साथ निजी एम्बुलेंस चालक भी मरीजों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। अधिकांश एम्बुलेंस पर ना तो पैरामेडिकल स्टाफ की तैनाती है और न ही लाइफ सेविंग उपकरण है। स्वास्थ्य विभाग और आरटीओ विभाग की लापरवाही के चलते खुलेआम मरीजों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है। फरुखाबाद आरटीओ विभाग में 163 एम्बुलेंस का पंजीकृत है, जिसमें से 62 एम्बुलेंस अनफिट पाई गई हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी जनपदों में अवैध रूप से चला रहे एम्बुलेंस संचालकों पर कार्रवाई के आदेश दिए थे। इसके बावजूद भी स्वास्थ्य विभाग ने कार्रवाई नहीं की। कई एम्बुलेंस बिना मानकों के चलाए जा रहे हैं। नियमानुसार एम्बुलेंस में पैरामेडिकल स्टाफ की तैनाती होनी चाहिए, लेकिन अधिकांश में प्रशिक्षित स्टाफ भी नहीं है। सही मायने में तो एम्बुलेंस का नाम देकर टैक्सी की तरह फर्राटा भरकर मोटी कमाई की जा रही है। खास बात यह है कि बिना पंजीकरण अस्पताल चलाने वाले झोला छाप भी मरीजों को गंभीर हालत में रेफर कर अपनी ही एम्बुलेंस से गैर जनपद भेज देते हैं। इसे अस्पताल में परिजन हंगामा भी नहीं कर पाते और एम्बुलेंस से उन्हें दोहरी कमाई भी हो जाती है। साथ ही कई बार गंभीर मरीज बिना ऑक्सीजन व जीवन रक्षक दवाओं के अस्पताल पहुँचने से पहले ही दम तोड़ देते हैं। अधिकतर ग्रामीण मरीज जानकारी के अभाव में परिजन एम्बुलेंस संचालकों से कुछ कह भी नहीं पाते। यही वजह है कि फरुखाबाद में एम्बुलेंस चलाना कमाई का अच्छा जरिया बन गया है, क्योंकि आरटीओ में कम कीमत पर पंजीकरण हो जाता है और इसके बाद कहीं भी मरीज ले जाने पर रोड टैक्स टोल टैक्स की भी पूरी छूट मिलती है। अधूरे मानकों पर एम्बुलेंस चलाकर मरीजों के परिजनों से मनमाने रुपए वसूले जा रहे हैं। एम्बुलेंस में जीवन रक्षक दवाएं और उपकरणों सहित टाइप ए में 33, टाइप बी में 34, टाइप सी में 63 और टाइप डी में 70 बिंदुओं पर मानक निर्धारित है। इसमें स्ट्रेचर, पैरामेडिकल स्टाफ, ऑक्सीजन, सक्शन मशीन, बीपी मशीन, थर्मामीटर, ऑक्सीमीटर, इंजेक्शन, नेबुलाइजेशन, कैथेटर, वोमिटिंग बैग, यूरिन बोतल, गैस्ट्रिक ट्यूब और दवाएं आदि शामिल हैं। एआरटीओ ब्रजेंद्रनाथ चौधरी का कहना है कि कुल 163 पंजीकृत एम्बुलेंस की सूची स्वास्थ्य विभाग को भेजी जा चुकी है। इसमें 62 एम्बुलेंस अनफिट पाए गए हैं। टोटल जो संख्या है 163 संख्या है, जिसमें 62 एम्बुलेंस जो है अनफिट पाई गई हैं। और इस क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग 5/11/2023 को जो है किया था, जिसमें निर्देश आदेश दिया था कि जनपद में जो भी अवैध एम्बुलेंस हैं उनके खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई की जाए। उस क्रम में इसके पूर्व जो है 17/7/2023 को जिला सड़क सुरक्षा समिति की जो बैठक हुई थी, उसमें जिलाधिकारी महोदय ने जो है ये आदेश दिया था कि सीएमओ साहब और जो है कि संयुक्त की टीम और जो है प्रवर्तन एआरटीओ साहब के साथ जो है संयुक्त रूप से इसकी चेकिंग करके जो अवैध एम्बुलेंस हैं उन पर जो है कार्रवाई करके उनको रोका जाए। इस क्रम में जो है हमारे जो है एआरटीओ प्रवर्तन साहब ने सीएमओ साहब को पत्र लिख करके ये जानना चाहा है कि उनके द्वारा नामित जो अधिकारी हैं जिनके साथ संयुक्त रूप से इस मामले में कार्रवाई की जाए, उस उनका नाम और मोबाइल नंबर जो है अवगत कराएं, जिससे प्रवर्तन कार्रवाई करके उस पर जो है सख्त कार्रवाई किया जाए। और ये कार्य क्योंकि सड़क पर चलते मरीजों को ढोते समय जो है वहाँ एम्बुलेंस को जो है उस पर प्रवर्तन कार्रवाई नहीं की जा सकती है, क्योंकि उसमें मरीज बैठे होते हैं जिनके जान को खतरा होता है। इसके लिए जो है संयुक्त रूप से वह सीएमओ के द्वारा नामित अधिकारी और हमारे एआरटीओ प्रवर्तन जो है इस पर रणनीति बना करके एक जो है सघन सकारात्मक कार्रवाई मतलब करेंगे, जिससे जो है एक प्रभावी रिजल्ट जो है सामने आए। आपको बता दें कि सीएम योगी के आदेश के बाद जिला अधिकारी ने सभी निजी एम्बुलेंस की जांच कर मानक पूरी करने के निर्देश दिए थे। लापरवाही बरतने वाले एम्बुलेंस चालकों पर कार्रवाई की बात कही थी। इसके बावजूद जिले में डीएम का आदेश बेअसर साबित हो रहा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए फरुखाबाद से दिलीप कटियार की रिपोर्ट।